की संडी द्रम की गौरी नारायणी नमोस्तुते। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय ध्यानम कुर्यात्। कस्तूरी तिलकम् ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नाशाग्रे परिमोक्तिकम् करतले वेणुकरी कंकणम् शर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ध्यानार्थे यक्ष पुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां ह्योपवीश्यम् माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादिमयो मयार्थानि पुष्पाणि पूजार्थम् पुष्पम पुष्पमालां प्रधापयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसु अनंत पुण्य फलद मते शांतिम प्रयच्छमि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। नमस्करोमि तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठा दर्शनात् पापिनाशिनी। बोली पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सदुदी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ततो सद्गुरुदेव पूजनम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिबाहुरपुरो हरि अभाललोचन शंभुर भगवान बादराय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि Thank you.
हरिलाल की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे वसुदेव। आइए अब श्रीमद् भागवत कथा में हम और आप सभी लोग प्रवेश करेंगे। वास्तविकता यह अवसर बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं अनेकों जन्मों के जो भाग्य उदय होते हैं तब हमें ऐसा कहीं अवसर प्राप्त होता है जिसमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर हो, राम कथा सुनने का अवसर हो, संतों का सत्संग सुनने का अवसर हो। ऐसा अवसर बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। तो भगवान की आज अतिशय कृपा है कि हम पर आज हम इस मंदिर प्रांगण में बैठकर के सभी भक्त वृंद आज से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन अमृत पान करेंगे। तो आइए अब सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ करके भागवत जी को प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि आज की श्रीमद् भागवत कथा सुनने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री रमण रेति धाम की, श्री गुरु कार्ष्णी जी महाराज की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, चरण कमले भ्यो नमः। बागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये सिंह महं भजे। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसार मेक मध्यात्मदीप मतितिर्शतामोऽन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम् व्यासिष्णुनमपया मे गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय सर्व संत हरि भक्तन की जय जय श्री राम भगवान की पावन कथा सीकरी नगर में ग्राम में जो पावन पवित्र स्थान भगवती माता पथवारी माता के पावन मंदिर में ऐसी दिव्य जगह जो देवालय सत्संगालय शिवालय भजनालय ऐसी पवित्र जगह में बैठ करके पवित्र स्थान में बैठ करके अपने मन को चित्त को विशुद्ध बनाते हुए भगवान की कथा सुनकर के मानव जीवन सफल बनाए। आइए भगवान की कथा से पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए रचना वाणी को पावन पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं फिर भगवान की कथा सुनाने का प्रयास करते हैं। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते चलो तज ममता अभिमान जहाँ भक्त मेरा पग धरे वहाँ धरूं मैं हार पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ पाछे वृंदावन सोवन गई नंदगांव सो गा बंसी बट सो बट बदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम बदना मधुरम
वचनम मधुरम बलितम तिलका मधुरम
यमुना मथुरा राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे गैबर वल्लभ राधे राधे
राधे संकरवन में राधे राधे पांडिरवन में राधे राधे अंतरवन में राधे राधे महावन में राधे राधे वेदवन में राधे राधे आदवन में राधे राधे कौमुदवन में राधे राधे सीकरी में राधे राधे सीकरी में राधे राधे मल्लवगढ़ में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे विधि गोकर राधे राधे गोरगुनी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे घोड़सांस में राधे राधे बांधवन में राधे राधे मानवन में राधे राधे लाचवन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे भगवान राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे राण वल्लभ राधे राधे राधा रमोद राधे राधे राधा रमन जी राधे राधे राधा गोविंद राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे सम्मिल बोलो राधे राधे सत्य बोलो राधे राधे नमन देत में राधे राधे मान घाट में राधे राधे केसी घाट में राधे राधे कान घाट में राधे राधे शाम घाट में राधे राधे सत्य बोलो राधे 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 श्री जगदम्बे मात की जय पतवारी मैया की जय 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 श्री राधे आज के आनंद की जय नहीं बोलने वालों की जय बोलने वालों की हंसने वालों की नहीं हंसने वालों की जय जय श्री राधे। आज परमहर्ष का विषय बल्लभगढ़ सीकरी में यह दिव्य भगवती माता परांबा जगदम्बा पधवारी माता के पावन चरणों में बैठ करके ऐसा दिव्य पावन सत्संग भवन भगवान की कथा श्रीमद् भागवत की कथा हमारी श्रीमती इंदु जी एवं उनका समस्त परिवार मिलके बड़े भाव से श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का यह दिव्य श्रवण भागवत कथा की सेवा भागवत कथा के चरणों का आश्रय बड़े सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की कृपा का ही फल है। जब हृदय में शुभ संकल्प होता है तब ऐसा पावन अवसर आता है। यह भागवत का लाभ आप सबको तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ जो सिद्ध महापुरुष सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं, उनको भी उसका लाभ प्राप्त होगा। आज हम आप सबने नगर परिक्रमा की श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा कलश यात्रा और वो कलश यात्रा में सभी देवी देवताओं का आवाहन कलशों में हुआ और श्रीमद् भागवत को सिर पे धारण करके बड़े धूमधाम से परिक्रमा की। भगवान की शोभा यात्रा में जो सम्मिलित होते हैं, भागवत भगवान की कलश यात्रा में जो सम्मिलित होते हैं, उनको संपूर्ण तीर्थों का जो दर्शन का फल प्राप्त होता है वो भगवान की कलश यात्रा शोभा यात्रा से प्राप्त हो जाता है। जे तीर्थानि प्रचरन तिस्रका हस्तानि खंगिणः देखा गुम सहस्रयो जनेव धनवानि तन्मस। जे तीर्थानि संपूर्ण तीर्थों के दर्शन करने का जो पुण्य है वो प्रदक्षिणा करने से हमें प्राप्त हो जाता है। भगवान के मांगलिक कलश सिर पे धारण करके भागवत जी का दर्शन करके सब एक साथ प्रभु का दर्शन करते हैं, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। तो आइए श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक का हम आप सब गायन करेंगे और भागवत में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। सभी लोग सीधे बैठेंगे और इस श्लोक बोलेंगे पीछे पीछे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः, कृष्णाय वयम नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान की कथा से पूर्व महात्म का वर्णन किया और महात्म में 6 अध्याय हैं। पहले अध्याय में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, द्वितीय अध्याय में भक्ति का वर्णन, तीसरी अध्याय में भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति की स्थापना हुई, चौथे अध्याय में नारद भक्ति संवाद, नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण, पांचवें अध्याय में महापापी धुंधकारी की कथा का वर्णन, छठवें अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की विधि का वर्णन। भगवान की कथा कैसे सुनना चाहिए, क्या क्या खा के सुनना चाहिए, क्या क्या नियम करना चाहिए, वो छठवें अध्याय में वर्णन किया है। तो पहले अध्याय में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान कैसे हैं, उनकी लीला कैसी है, उनका धाम कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं, बोले सच्चिदानंद सुख स्वरूप परमात्मा है। सत्चित आनंद सुख स्वरूप भगवान, सत्य भी भगवान है, चित्त माने चैतन्य भी भगवान है और आनंद स्वरूप भी भगवान है। क्या करते हैं भगवान, बोले विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। आज 1 घंटे पहले किसका जन्म होने वाला है भगवान को पता है, 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद अब किसकी मृत्यु होगी भगवान को पता है, कौन व्यक्ति कहाँ है, किसको भोजन किसके माध्यम से दिलाना है भगवान कराते हैं। तो उत्पत्ति पालन और संहार तीनों भगवान कराते हैं। तापत्रय विनाश, और तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। और क्या करते भगवान, तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। ये तीन ताप ही मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान तीनों तापों का विनाश करते हैं और ये तीन ताप ही मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। कौन कौन से तीन ताप हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप,
ये मनुष्य को बहुत सताते हैं और ये तीनों ताप ही मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो पहले ये समझें कि दैहिक ताप क्या है, दैविक ताप क्या है और भौतिक ताप क्या है। दैहिक ताप वो है, दैहिक ताप उसको कहते हैं देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप। देह में कष्ट हो उसी का नाम है दैहिक ताप। और देह में जब कष्ट आता है तो भजन नहीं होता, आदमी रोता है, हाय दैया हाय मैया करता है। किसी को 103 बुखार आ जाए, मलेरिया बुखार बड़ा खतरनाक होता है, ठंडी दे के आता है, आदमी कांपता है, भूत से आ जाते हैं उसको हू हू करता है, एक रजाई ओढ़ता है, दो रजाई कंबल, वो ऊपर से छोटा सा बालक है उनके घर पे तो बोले ऊपर से तू लेट जा, थोड़ी गर्माहट आ जाए शरीर में। अब वो कांप रहा है बेचारा, सर्दी से ठंडी लग रही है और तुम माला झोली लेके कह दो भैया लो माला जपो बुखार ठीक हो जाएगा, ऐसे में वो माला जपेगा बताओ जी, जपेगा कि नहीं? नहीं जपेगा, क्योंकि उसको बुखार चढ़ा है, ताप सता रहा है उसको, दैहिक ताप सता रहा है। किसी को सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज और कहो कि भजन करो भगवान का, भजन नहीं होगा क्योंकि ध्यान तो उसका शरीर के कष्ट में है। तो ये देह के कष्ट का नाम है दैहिक ताप। ये दैहिक ताप भी भगवान की भक्ति नहीं करने देता। और दूसरा ताप है दैविक ताप। दैविक ताप क्या है? देवताओं के प्रकोप का नाम दैविक ताप। जैसे राहु केतु की बकरी दशा चलना, पितृ रूठ जाना, घर में कलेश होना, अशांति, ये सब दैविक ताप में आता है। अब किसी का अच्छा भला कारोबार चल रहा है, अचानक जो है उसका सब नुकसान हो गया, करोड़ों का घाटा पड़ गया, दुखी हो गया, कहा कि भजन करो सब ठीक हो जाए, भजन तो कर रहा है लेकिन ध्यान उसी में है, 4 करोड़ का नुकसान हो गया, सारी जिंदगी की कमाई चली गई, तो ध्यान उस में जाएगा। जब देखा पंडित जी को बताया, पंडित जी ने कहा तुम्हारी तो शनि और राहु की बकरी दशा, पितृ रूठे हैं। फिर उपाय कराया, शनि का जाप कराया, राहु का 18,000 जाप कराया, हवन कराया, उन देवताओं के निमित्त पितरों के निमित्त पूजन तर्पण आदि कराए, तो देवता प्रसन्न हो गए और फिर जैसा उसका काम था उससे भी दोगुना काम चालू हो गया। तो ये दैविक ताप भी भगवान की भक्ति में बाधा करता है, तो ये कैसे ठीक हो? तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप का मतलब है भौतिक व्यवहार का बिगड़ जाना, भाई भाई में झगड़ा हो जाना, समधि समधि में झगड़ा हो जाना, सास बहू में झगड़ा हो जाना, बहन बहन में झगड़ा हो जाना, भाई भाई में झगड़ा हो जाना, अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाना। अड़ोसी पड़ोसी जानते हो? अड़ोसी पड़ोसी नहीं जानते? जानते हो ना अड़ोसी पड़ोसी? पड़ोसी तो जानते हो बगल वाले, लेकिन अड़ोसी कौन है? बोले अड़ोसी वो है जो बार बार रोज अड़े लड़े भिड़े, उसका नाम अड़ोसी। और पड़ोसी वो जो प्रेम से रहे, भाव से रहे। आज बोले भैया कड़ी चावल बना हमारे यहाँ, लो तुम खाओ, ले आए वो खिलाया बड़े प्रेम से, उनको कहते हैं पड़ोसी। तुम्हारे यहाँ बढ़िया कटहल की सब्जी बनी, तुमने उनको दी, लो बढ़िया छौंका की सब्जी मसाला डाल के, तो इनको कहते हैं पड़ोसी, माने जो प्रेम से रहें और रहने दें। और एक होते हैं अड़ोसी, जो ना खुद दुख सुख रहे, सुखी रहे ना दूसरों को सुखी रखे, खुद अड़े
अपने दरवाजा का कूड़ा तुम्हारे में डाल दें। रात में आए सो कहीं से काशी फल या कोई नींबू काट के या रोली लगा के धर गए घर में दरवाजे पे, है कुछ भी नहीं, भय का भूत। इनको कहते हैं अड़ोसी, जो अड़े लड़े भिड़े परेशान करें। तो अड़ोसियों से सावधान रहें और पड़ोसियों से प्रेम से रहें, उनको अड़ोसी और पड़ोसी कहते हैं। तो अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाना ये भी अनमन है। तो भौतिक व्यवहार का बिगड़ जाना इसको कहते हैं भौतिक ताप। और इन तीनों तापों से बचने के लिए कौन है जो हमें तीनों तापों से बचाएगा? तो बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये तीनों तापों के नष्ट करने में समर्थ परमात्मा श्री कृष्ण हैं। इसलिए श्री राधा कृष्ण प्रभु की शरण में आ जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ, तीनों तापों से मुक्ति पाओ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलके प्रणाम करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है फिर उसको ये तीनों ताप उसकी रक्षा करते हैं और तीनों ताप फिर उनका कोई नुकसान नहीं करते। तापत्रय विनाशाया, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भगवान के दर्शन, भगवान का सन्निकट, ये तीनों तापों का विनाश कर देता है। एक तो होता है नाश, एक होता है विनाश। जैसे पेड़ की डाली काट दी तुमने सबरी और पेड़ की डाली कट गई तो पेड़ का नाश कर दिया, और उसी पेड़ को आपने उखाड़ दिया जड़ से तो हो गया विनाश। तो नाश किया हुआ तो उत्पन्न हो सकता है, पेड़ों में से डालियां निकल सकती हैं, लेकिन यदि जड़ से उखाड़ दिया तो फिर उसका विनाश हो जाता है। फिर जड़ से उखड़ने के बाद फिर जमता नहीं, वो अंकुरित नहीं होता। तो फिर तो बोले इसी प्रकार से जो भगवान की शरण में आ जाते हैं तो भगवान उन भक्तों के तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। विनाश माने जड़ से उखाड़ देते हैं और फिर वो ताप पाप साप संताप कोई सताता नहीं, तीनों तापों से हमें मुक्ति मिल जाती है क्योंकि भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो बोले यहाँ राधा रानी का नाम तो आया नहीं, केवल कृष्ण का नाम आया है, तो राधा रानी सहित क्यों प्रणाम करें? बोले राधा रानी का नाम सबसे पहले आया कहाँ? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। तो श्री का मतलब है श्री राधा रानी, जैसे श्रीजू कहते हैं ना, श्रीजू, हाँ श्रीजू, श्रीजी, श्री राधा रानी। तो श्री कृष्णाय यानी राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो बोले राधा रानी का नाम पहले क्यों आया? राधा रानी का नाम पहले क्यों आया? बोले राधा ही सबका आधार है, इसलिए राधा रानी का नाम पहले आया। राधा रानी का नाम पहले आया क्योंकि सबका आधार श्री राधा रानी है। क्योंकि बिना आधार के संसार चलता नहीं, बिना आधार के सृष्टि चलती नहीं। हमारा तुम्हारा भी आधार है क्या? बोले रोटी कपड़ा और मकान है कि नहीं? रोटी खाने को ना मिले तो तीन दिन में आदमी सीधा खटिया पकड़ लेगा, और कपड़ा पहनने को ना मिले
तो मुश्किल है, और मकान रहने को ना मिले तो मुश्किल है। इसलिए रोटी कपड़ा और मकान ये मनुष्य का आधार है, इसी प्रकार से पूरी सृष्टि का आधार है। ये पृथ्वी का भी आधार है जल। ये पृथ्वी किसके ऊपर रखी है? जल के ऊपर। पृथ्वी का आधार जल, जल का आधार तेज, तेज का आधार वायु, वायु का आधार महतत्व। एक का आधार एक, एक का आधार एक, एक का आधार एक, एक का आधार एक, आधार 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 आधारानी की जय। सबका आधार श्री राधा रानी है, इसलिए आधार आधार बोलो राधा राधा प्रकट होता है, और धारा धारा बोलो तो राधा राधा प्रकट होता है। तो प्रेम की भक्ति धारा में राधा को प्राप्त करो, यही जीवन का कल्याण है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसलिए राधा रानी ही सबका आधार है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् नमः। इसलिए राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना हो, राधा नाम की लगाई फुरवाड़ी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। भगवान के चरणों में श्री राधा रानी के चरणों में प्रेम हो तो श्री कृष्ण भी कृपा करते हैं। ओ राधा नाम की लगाई फुलवाड़ी, ओ राधा नाम की लगाई फुलवाड़ी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। नाम की लगाई फुलवाड़ी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवाड़ी पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवाड़ी पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। पता पता श्याम बोलता की, पता पता श्याम बोलता की, पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता। ताली बजा के बाहर से नाचे मोर कोके कोयलिया प्यारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा।
पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता रसिकन को लागे है प्यारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता नचे मोर कोके कोयलिया प्यार के पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता 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 राधा नाम की लगाई पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम जय हो राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता 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 हरिलाल की राधा रानी की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का एक दिव्य महात्म और आज हम आप सबका भागवत में प्रवेश हो गया। भागवत के महात्म की कथा हम आपने अभी श्रवण करी और यहाँ से अब कल कथा होगी और कल जो है धुंधकारी की कथा। भक्ति ज्ञान वैराग्य को भगवान नारद जी ने कैसा दर्शन दिया, उनके शंका का समाधान कैसे हुआ और श्री सनकादि ऋषियों का मिलन हुआ। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चौधवा कांसधारी
वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग कर्तार जनोभूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। भागवत कथा में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान ने सभी को अपना दिव्य दर्शन दिया। ये सब कथाएं आपको कल सुनाई जाएंगी, आज कथा का पहला दिन है, इसलिए महात्म्य में हम आप सबका प्रवेश हो गया। अब आरती होगी और आरती करके प्रसाद लेके आप प्रस्थान करेंगे, प्रसाद की भी व्यवस्था है सबके लिए, तो बहुत ही दिव्य आनंद आप सब प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। अभी अभी आप पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का अवगाहन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे। आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पितृपक्ष में आप सभी को यह दिव्य भागवत कथा मृत सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस था और कल श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। पूज्य महाराज जी के श्री मुख से हम और आप सभी को द्वितीय दिवस की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होगा। कथा का समय 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक है। कथा का समय 2 से 5 रहेगा। आप समय से ही पूर्व पहले आकर के यहाँ विराजें, सुंदर भजनों का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक 2 बजे पूज्य महाराज जी का पदार्पण होगा और हम सभी को दिव्य कथामृत सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आइए सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होकर के ठाकुर जी की आरती, भागवत जी की आरती का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात आरती लेकर के और पीछे भोजन प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है, भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही प्रस्थान करेंगे। चंद्रमा मनसो जात सक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वारिश्वान शिवखा अग्नि रजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। Yeah.
भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से पुरुषोत्तमाय नमो नमः जलिन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभ्यं हस्ताभ्यं आरोग्यार्थे अभिवंदनम ओं दिवौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदय शांतिः वनस्पतयः शांतिर्श्री देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरिधि शांतिर्भवतु आरार्दिक्यं समर्पयामि हस्त प्रहस्त प्रक्षालनं मंत्र पुष्पांजलिं हरिः ॐ जगनेन यज्ञवैजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रतिमान्या सन्नतिहनाकं विहिमानः सजन्तत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदया तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदया नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया कात्यायनीं च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदया हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो षड्गुरु प्रचोदया नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः भोलेबांके बिहारी लाल की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद भागवत महापुराण की पथवारी मैया की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव।